कैसे हैं आप सब लोग। लाजवाब किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले देख लेते हैं। हमने इस साइज का 5 प्याज इसमें काट लिया, 5 से 6 प्याज काट लिया हमने। मेरा इसमें 2 केजी चिकन है, 2 केजी आलू है, 2 केजी चावल है, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर। इसके लिए हमें दूध भी चाहिए, कलर भी चाहिए, गुलाब जल, केवरा जल, मीठा अतर, नींबू, दही, नमक, जो बिरयानी का जो मसाला है वो मिक्स मसाला होता है, वो मसाला हमने पहले पीस के तैयार करके रखे हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल, नमक, लास्ट में थोड़ा सा चीनी। हमने प्याज को लंबा काट लिया, देख सकते हैं प्याज को हमने कैसे काट लिया। तेल भी हमने गरम करने के लिए रख दिया तेज फ्लेम पर, और हमने आलू का बड़ा साइज का आलू चाहिए इसके लिए, ये 2 पीस में काटा जाता है। इसको हमने काट के रेडी करके रख दिया, काट के धो के रेडी करके रख दिया। अब हम प्याज को तल लेंगे, पहले एकदम ब्राउन होना चाहिए प्याज। जब तक हमारा प्याज तल रहा है तब तक हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। अब इसके लिए हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 केजी चिकन है तो उस हिसाब से हमें डालना चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, मिर्च पाउडर, ये मिर्च ज्यादा तीखा भी नहीं है और तीखा होने से बिरयानी इतना अच्छा भी नहीं लगता है, टेस्ट का पता नहीं चलता है। हमने ये बिरयानी वाला मसाला जो तैयार करके रखे थे उसको हमने डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें दही, हमने इतना दही डाल दिया। नमक, अब लोगों को पता ही है 2 केजी चिकन में कितना नमक डालते होंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। बस हमने नमक डाल के इसे छोड़ दिया। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। अब मैरिनेट हाथ से हम मैरिनेट कर देते हैं इसको। हमने ये चिकन देखिए मैरिनेट कर लिया, अब हम इसको ढक के रख देंगे। चावल को 1 घंटा भिगा के रखना है। हमने तो चावल को अच्छे से तरह से धो के इसको भिगो के रख दिया, और पानी हमेशा ऊपर रहना चाहिए, चावल ऊपर ना आ जाए। चावल को जो भिगा के रख दिया पानी ऊपर आना चाहिए ताकि ये चावल टूट ना जाए। तो हमारा इतना तो रेडी है। अब हम आलू को कैसे पकाएंगे। आलू को हमने कुकर में डाल दिया, ये घर में खा बनाने के लिए 2 केजी हम बना रहे हैं, नहीं तो बड़े बड़े फंक्शनों में क्या देग में ही पका लेते हैं। हम शॉर्टकट तरीके से इसको पका लेंगे। हमने ये आलू डाल दिया, अब इसमें हम मिर्ची पाउडर ऐड कर रहे हैं, अब हम इसमें बिरयानी वाला जो मिक्स मसाला था वो वाला डाल रहे हैं। हम नमक डाल दिया स्वाद अनुसार 2 केजी। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, अब हम डाल रहे हैं जैफरानी कलर ताकि इसमें कलर आ जाए। कलर ज्यादा भी नहीं डालना है ताकि एकदम ऑरेंज दिखे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा मीठा अदरक, 2-3 बूंद मीठा अदरक, ये मीठा अदरक मुगलाई मीठा अदरक जो आता है।
हमने पूरा प्याज को निकाल लिया। देखिए प्याज हमारा ऐसे हो गया है, ऐसे कलर में होना चाहिए, ज़्यादा जलना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा वाइट भी नहीं रहना चाहिए और कड़क। अब हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे आलू में। एक कटोरी पानी ऐड करेंगे ताकि आलू हमारा नीचे चिपक ना जाए। इसी गरम तेल को हमने आलू में आधा डाल लेंगे। बिरयानी में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, हमने तेल डाल लिया। अब ये तेल को हम हटा देंगे, आलू को हम सीटी में रख देंगे। अब हमने आलू का सीटी लगा दिया, अब ये हमारा दो सीटी लगेगा तो ये रेडी हो जाएगा। प्याज तल के जो बचा हुआ जो तेल था हमने इसमें डाल दिया चिकन के लिए। अब हम जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है हम इसको इस तेल में हम डाल देंगे। चिकन को हमने डाल दिया। ये हमारा आलू सीटी लग रहा है, अब हम चिकन को भी पकने के लिए अभी छोड़ देंगे। थोड़ा सा हिला के गैस का फ्लेम तेज कर दिया, अब इसको हम ढक देंगे एक बर्तन से। फ्रेंड आलू में हमारा दो सीटी लग गया, अब हम इसको बंद कर देते हैं। के लिए पानी ले लिया, अब हम गैस को ऑन करते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया, चावल का पानी गर्म होने देते हैं। तब तक हम एक बार चिकन को देख लेते हैं कितना पका रहते हैं। आधा लगभग पक गया, इस तरह से ऊपर नीचे कर देते हैं। इससे हम इसको ढक देंगे। हमने इसको ढक दिया और थोड़ी देर पकने देते हैं इसको। अब हम चिकन को खोल के देखते हैं कि कितना हमारा चिकन पका। हाँ हमारा चिकन रेडी हो चुका है। हड्डी से मांस छोड़ दिया, इसका मतलब चिकन पक चुका है। अब हम इसको उतार के रख देंगे थोड़ा सा हिलाने के बाद। अब हमने गैस बंद कर दिया, अब हम इसको उतार के रख देते हैं। चावल का पानी अब हमारा अभी भी गर्म नहीं हुआ है, चावल का पानी पूरी तरह से खौलना चाहिए, तब हम चावल को पानी से निकाल के हम उसमें डालेंगे। आलू भी हमारा रेडी हो गया, चिकन भी हमारा रेडी हो गया, अब चावल बाकी है हमारा। हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम चावल को छान के दे देंगे। पूरे पानी चावल का निकाल देते हैं। ऐसे करते हुए हम पूरे चावल को इस पानी में डालते रहेंगे। ऐसे पानी निकाल दीजिए, फिर डालते जाइए ताकि ठंडा पानी उसमें ऐड ना हो, पूरा गर्म पानी ऐड। चावल में हम इतना खारा मसाला हमने डाल दिया और चावल को एक बार अच्छी तरह से हिला देते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि चावल फीका ना रह जाए। हम इतना नमक ऐड किया चावल में, हमारा पतीला थोड़ा छोटा हो गया है। मेरे पास इतना ही बड़ा पतीला था, हमने इसमें बनाया। चावल को हमारा 70% पक जाना चाहिए, नहीं तो दम में जाके चावल टूट जाने का डर रहता है। चावल हमारा रेडी है।
चावल को हम अब उतार लेते हैं। चावल का पानी हमने निकाल लिया, देखिए चावल हमारा रेडी है एकदम। अब हम इसको दम में कैसे देंगे, सबसे पहले हम आलू को निकालेंगे। देखिए फ्रेंड आलू ऐसे हो गया हमारा। आलू हमने डाल लिया, अब हम डालेंगे चिकन। चिकन को डाल दिया, अच्छी तरह से इसको बिछा लिया। अब हम डालेंगे इसमें गुलाब जल, इतना गुलाब जल डाल दिया। ये है गुलाब जल, ये केवड़ा जल है, थोड़ा हमने केवड़ा जल मिक्स किया। अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे, इसमें आलू बुखारा भी पड़ता है, बस हमने इतना सा चीनी ऐड किया। अब इसमें हम डालेंगे 2 बूंद मीठा अदरक, डाल दिया मीठा। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, लगभग 1 ग्लास दूध डाल दिया हमने। अब इसमें थोड़ा सा बिरयानी का जो मसाला है पिसा हुआ, इसको हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1 ही चम्मच हमने ऐड किया। जो हमने बिरयानी मसाला डाला सेम यही चीज है, बस इसमें छोटी इलायची थोड़ा ज्यादा ऐड कर देना आप लोग। अब हम इसमें चावल डालेंगे, चावल हमने पूरा डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे, टूटा नहीं है बिल्कुल, चावल टूटा नहीं है। अब हमने चावल को अच्छी तरह से फैला दिया। अब इसमें कलर ऐड करेंगे, हमने नींबू का रस निचोड़ लिया, हमने 1 ही नींबू का रस निचोड़ा, इसमें 1 ही नींबू का रस चाहिए हमें। कलर मिक्स करेंगे अब इसमें हमें ऐड, इसमें हमने गुलाब जल फिर से ऐड किया, केवड़ा जल ऐड किया, मीठा अदर, अब इसको हम डाल देंगे। इसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं ऊपर से, तो और अच्छा खुशबू आएगा, खाने में भी टेस्टी होगा। अब हम डालेंगे इसमें भुना हुआ प्याज, अब हम इसका ढक्कन को बंद कर देते हैं दम में चढ़ाने के लिए। ये हमने ढक्कन बंद कर दिया, अब हम तेज गैस पे इसको 10 मिनट रखेंगे, फिर धीमी आंच पे हम 15 मिनट इसको छोड़ देंगे, टोटल 25 मिनट हम इसको रखेंगे गैस। हमारा बिरयानी का दम हो चुका है, 25 मिनट बाद अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। हम आपको दिखा देते हैं ये कैसा बना, ये देखिए हमारा बिरयानी रेडी है। अब हम आपको बाद में प्लेटिंग करके हम दिखाएंगे।
बस हमने तो आपको दिखा दिया कि बिरयानी हमारा ऐसे रेडी है, पर आप तुरंत मत खोलिएगा इसको, 15 मिनट ऐसे रहने दीजिएगा, उसके बाद खोलिएगा, देखिएगा उसका जो खुशबू है और अच्छा आएगा। और इसको खाने का, खाने के लिए हमने बनाया खीरा, प्याज, हरी मिर्च का एक सलाद तैयार करेंगे दही के साथ। मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, खट्टा दही। इसमें हम नमक ऐड करेंगे, काला नमक भी ऐड कर दे रहे हैं हम, थोड़ा जीरा पाउडर ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये हमारा सलाद रेडी है। ये खाने से, बिरयानी खाने से एक अलग ही तरह का ढकार जो आता है वो नहीं आएगा, और खाना भी हजम हो जाएगा जल्दी से, और अच्छा भी लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें और दूसरा बनाने का मौका मिले, अच्छा लगे। नमस्ते।